हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, और आज फर्स्ट टाइम मैं आपको एक शूट टूर करवाने वाली हूँ। सबका होम टूर होता है, मेरा शूट टूर होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, सब टीवी का शो है और अच्छा चल रहा है, वेरी 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 गुड। तो आज मैं उसके सेट लेके जाऊँगी और आपको जितना हो सकता है, मैं आज मैं आपके साथ वीडियो बनाती हूँ एंड आपको शेयर करती हूँ कि कैसा रहता है, क्या रहता है सब टीम के साथ में। सो ये है नए गांव का सेट जहाँ पर हम लोग की शूटिंग हो रही है। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ सेट पे। सो बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम आप ऑडिशन तो बहुत सारे शेयर करते हैं, आप कभी कोई सेट की वीडियो भी बनाएं, तो मैंने आज उन्हीं सब के लिए सेट की वीडियो बनाई है। तो सब देखिए और इंजॉय कीजिए। तो निकला राउंड ले लेना, पूरा घूम गई वापिस आई। अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम करता है। तो इस शो का नाम है सब टीवी का मैडम सर, जो कि कॉमेडी शो है एक तरह से और बहुत ही पॉपुलर है। इसी में फर्क है देखने का। तो यहाँ पर सेट का सेटअप लग रहा है, तो मैं वेट कर रही थी, तो सोचा आपके साथ थोड़ी सी वीडियो और बना लेती हूँ। हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, मुझे कॉमेडी। सो ये है फुल सो आज बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ और कुछ ऐसा स्टाइल बहुत ही यूनिक हमारे पास आर्टिस्ट है जो बहुत ही फनी है और ये कंसेप्ट बहुत फनी है, तो ये आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है टीवी पे। सो अभी के लिए हम इतना ही रहते हैं। आज मैं आपको अपने हमारे डायरेक्टर सर, जो बहुत ही अच्छे इंसान है, आई मीन सीरियसली बहुत सारे सेट पे काम करते हैं, बट इन जैसे बहुत रेयर मिलते हैं और ये मेरी तारीफ नहीं है, सच में है। कॉमेडी शो है, उनको देखो, उनका फेस देख के हंसी आ रही है। मैं तो ऑलरेडी हम लोग हंसते ही रहते हैं। क्यों, क्या कह रहा है? क्यूट क्यूट गुगलू सर है हमारे। क्यों अच्छी स्क्रिप्ट याद करने वाला है और समझने वाला एक्टर, ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी कि एक्टर लोगों पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ने चाहिए बेसिकली, और ये जो ऐसे ग्रास्पिंग वाले एक्टर्स होते हैं इनके हमें तलाश होते हैं, ऐसे मिल जाए तो हमारा दिन अच्छा होता है। अगर ऐसे डायरेक्टर हूँ फिर तो एक्टर अच्छा बन ही जाता है। सो ये था, और हमारा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, तो मैं आज सब कुछ आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। अभी बहुत सारे सबका हेयर मेकअप कुछ ना कुछ चल रहा है और बीच बीच में मैं क्लिप्स दिखाऊंगी, और मैं वैसे भी बहुत ही रेयर बनाती हूँ, और ये फर्स्ट है जो मैं आपको फुल दिखाने वाली हूँ कि हम लोग का कैसा रहने वाला है, कैसा सीक्वेंस होगा, और थोड़े थोड़े क्लिप्स। सो गाइस, अभी हम लोग मॉनिटर के सामने बैठे और हमारी यहाँ पर कुछ ना कुछ मस्ती चलती ही रहती है, क्योंकि हम अपने शॉट का वेट कर रहे थे, तो इसके बाद हमारा ही लगने वाला है। तो हम लोग कुछ ना कुछ गॉसिप कर रहे थे, कैमरे में मैं उनको कुछ दिखा रही थी और पैनिक हो रहा था उनको अचानक से उनके ये रिएक्शन साथ। सो यहाँ पर हो रही है हमारी प्रैक्टिस और हम लोग लाइन्स स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग रोल करने से पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक बार, फिर जाते हैं। गाइज, मैंने इतने शोज़ में काम किया है, बट यहाँ पर काम करने का एक अलग ही मज़ा आया है, क्योंकि टीम और पूरा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव, इतना मज़ेदार है कि क्या बताऊँ। सो अब हमारी हो चुकी है स्क्रिप्ट रीडिंग और अब हम जाएंगे सीधा सेट पे। इधर कोई नहीं घूमेगा, इधर अरेंज कर लो चेयर। सो इस तरह से होता है हम लोग का शूट। किस चीज का? आपके थाने के जज्बातों की जादू की छड़ी का। सच है, बहुत कमाल की आपकी ये जादू की छड़ी, कैसे प्यार से घूमती है और सबके दुख दर्द गायब कर देती है। करिश्मा ने बोला, दूसरों के दुख दर्द तो दूर कर देती पर हमें भर भर के दुख दर्द दे जाती। सो ये हमारे डायरेक्टर हैं जो फाइट सीक्वेंस सिखा रहे हैं कि किस तरह से करना है, और क्योंकि परफेक्शन तो इनको चाहिए चाहिए, तो बस अपने आप ही करके दिखा रहे हैं ताकि आर्टिस्ट पकड़ ले। सो यहाँ पर भी चल रही है रिहर्सल और ये टीम बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फनी है, कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
सो गाइज यहाँ पर शूट करना सबसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टाइप है और इतनी कड़क धूप में एसी भी उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था, तो बहुत लोगों की, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और गुल की जो है उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो यहाँ पर हम लोग को शूट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था क्योंकि एसी भी काम नहीं कर रहा था, तो सारे एक्टर ने फिर भी किया, सो दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा मेकअप, मतलब टचअप हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी क्लोज़अप शॉट देते हैं दैट मीन्स सिर्फ फेस फेस आपका टीवी में दिखता है, तो हम लोग को थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ करना होता है, तो वो एक लास्ट टचअप हमें लेना था। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी शॉट के लिए और मैं पूरा माहौल दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी फिर भी हम सब ने यहाँ पर शूट किया। बाकी एक्टर्स का तो क्लोज़अप हो चुका था, सिर्फ मेरा बाकी है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी और सीधा मैं एसी के सामने ही बैठी हूँ तभी मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। यूट्यूब पे भी दिखाओ आज जिनकी तबीयत ख़राब हो गई, और सर इनको चक्कर वक्कर आ गए थे, बहुत ज़्यादा हमको लगा पर। सो गाइज मैं और गुलकी मिल रहे हैं 2 साल बाद, क्योंकि जब मेरी शो में एंट्री हुई थी तब गुलकी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उस टाइम तो नहीं मिल पाया, तो ये बाद में आई है और हम मिले हैं 2 साल बाद। तो मेरा हो चुका है पैकअप और मैं जा रही हूँ